हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नेटट्रिक्स अजय पे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या फिर प्राइमरी वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, क्योंकि कुछ दिन से मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे इन्हीं के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सर, और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर से कमेंट में आ रहे थे। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अच्छी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता दिया जाए ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या और इसका डिफिनेशन क्या है, ठीक है। पहले क्या जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द अपरेंट चार्ज ऑन द एटम इन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर या प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द अपरेंट चार्ज कहां, ऑन द एटम इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, ड्यू टू किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उसके कारण क्या होता है, एक अपरेंट चार्ज आता है जो क्या कराता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रूल पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम से मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे या फिर कंपाउंड में बहुत बार पूछ देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जानेंगे कि क्या क्या इसका रूल होता है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए। तो हेडिंग डालिएगा रूल्स, क्या हेडिंग, रूल्स, किसका रूल्स, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। तो पहला रूल्स क्या है, सिक्स रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि सम ऑफ इच इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जीरो या फिर चार्ज के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और चार्ज के इक्वल हो जाएगा। क्या पहला रूल्स कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर सबको सम करेंगे तो वो इच इलेक्ट्रॉन यानी कि जीरो हो जाएगा या फिर उसके चार्ज के इक्वल हो जाएगा। ये रूल अभी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी क्वेश्चन जो डिस्कस कराऊंगा उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग रूल सेकेंड पढ़ते हैं। रूल सेकेंड में क्या है, कुछ खास नहीं है रूल सेकेंड में, कि फर्स्ट ए ग्रुप का जितना भी एलिमेंट रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, ठीक है। फर्स्ट ए का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए ग्रुप का जितना भी एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। यहाँ पे आते हैं दो केसेस, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक कॉमेंट आया था कि HOF का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, समझिएगा कि हाइड्रोजन यदि +1 टू टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, शो करते हैं हाइड्रोजन +1 एंड -1, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि +1 कहाँ शो करेगा और -1 कहाँ पे शो करेगा। तो +1 जो शो करता है वो शो करता है विथ नॉन मेटल के साथ। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ जुड़ा हो तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन के क्या शो करेगा, +1, ठीक है, और -1 कहाँ से शो करेगा, विथ मेटल्स के साथ, जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ जुड़ा हो तो वो -1 शो करेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया गया है, ठीक है, और अभी मैं जो क्वेश्चन और भी डिस्कस करवाऊंगा तो इससे डिस्कस करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो रूल 3 एंड रूल 4, रूल 3 क्या है कि सेकेंड ए ग्रुप का जितना भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। उसी तरह थर्ड ए ग्रुप का जितने भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3, ठीक। अब हम लोग रूल 5 में जाते हैं। रूल 5 क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट
इन फ्री स्टेट विल बी जीरो, फ्री स्टेट विल बी जीरो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, यदि सोडियम हो, सोडियम क्या है, यहाँ पे कोई भी और एटम के साथ जुड़ा नहीं है बल्कि फ्री स्टेट में यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, जीरो। उसी तरीके से O2 ले सकते हैं, किसी के साथ अटैच नहीं होते, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, जीरो। ये पांच रूल, और सिर्फ छठा रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये पांच रूल को एक बार फिर से देखिए और आगे रूल हम लोग और पढ़ेंगे। कि रूल पहला क्या था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन का सम होगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो या फिर उसके चार्ज के इक्वल हो जाएगा। उसका दूसरा रूल क्या था कि फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट रहेगा उस कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, प्लस वन, ठीक है। वहां पे दो है, हाइड्रोजन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन कहां शो करेगा, विथ नॉन मेटल्स के साथ, और माइनस वन विथ मेटल्स के साथ, ठीक है। सेकेंड एक ग्रुप का जितने भी एलिमेंट है उस क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, प्लस टू। उसी तरह थर्ड ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है वो प्लस थ्री। और पांचवा रूल क्या था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट, जितने भी एलिमेंट फ्री स्टेट में रहेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जीरो, O2 जीरो, क्योंकि ये किसी के साथ एटम के साथ अटैच नहीं है बल्कि फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम लोग रूल सिक्स पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रूल सिक्स। ये सब हम लोग रूल सी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस खाली रूल पढ़ रहे हैं। रूल जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। रूल सिक्स क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमोलाइटिक मॉलिक्यूल्स विल बी जीरो जितने भी होमोलाइटिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। होमोलाइटिक मॉलिक्यूल्स क्या कहने का क्या मतलब है कि सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होमो मतलब क्या होता है, सेम, तो होमोलाइटिक मॉलिक्यूल्स मतलब सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल यदि हम लोग ले लेते हैं सीएल टू, यहाँ पे देखिए दो क्लोरीन एटम एक साथ जुड़े हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि होमोलाइटिक मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद बी आर टू को जब हम तोड़ेंगे तो सिंपली देख लीजिए बी आर, इसमें दो मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन सेम एक के साथ जुड़े हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये कैसा मॉलिक्यूल्स है, होमोलाइटिक, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, ठीक है। तो ये था छठा रूल। और सातवां रूल क्या है, सातवां रूल बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सातवां रूल ठीक क्या है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें देखिए तीन केसेस होते हैं ऑक्सीजन वाले केस में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तीन केसेस होते हैं ऑक्सीजन वाले केसेस में। पहला क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, पेरोक्साइड, दूसरा क्या, सुपर ऑक्साइड, और तीसरा ऑक्साइड, ठीक है। ये तीन केस में अलग अलग रहेंगे, तो आपको समझना है कि कहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, कहाँ पे ऑक्साइड, और कहाँ पे सुपर ऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक एग्जांपल बताया था CrO5 का, ठीक है, उसमें यदि आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा इस तरीके से तो उसका कितना आता था, प्लस 10, लेकिन एक्चुअली में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्लस 6। कैसे होता है, वहां पे 4 पेरोक्साइड लिंकेज और एक ऑक्साइड लिंकेज होने के कारण, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, कहाँ पे सुपर ऑक्साइड, कहाँ पे ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए यदि पेरोक्साइड के केस में रहा, ठीक है, पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, O2 2-, ठीक है, ये होता है पेरोक्साइड। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन टूट गया, दो पे दो चार्ज, तो एक पे कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, -1 चार्ज, मतलब पेरोक्साइड पे कितना होता है, -1, एक ऑक्सीजन पे -1 होता है, ठीक है। उसके बाद सुपर ऑक्साइड वाले केस में जाते हैं तो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2-, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, सिंपली -0.5,
ठीक है। और ऑक्साइड वाले केस में जाते हैं, ऑक्साइड क्या होता है O2, ठीक है, तो इसका क्या ऑक्सीडेशन होता है -2। ठीक है, ये सात रूल था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। अब हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे, ये सात रूल को लेकर के। अभी हम लोग कुछ कुछ नीट का क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चंस पूछा गया है। दो ही एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि जितना भी आपके मन में क्वेश्चंस हो वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल फर्स्ट। ये एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल नहीं है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी फास्फोरस इन किसमें, PO4-3-। ठीक है, PO3- ऑफ सल्फर इन किसमें, SO4-2-। ठीक, एंड डेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2- आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस क्या क्या था एग्जाम में, ऑप्शन था +5, +6 and +6। ठीक है, ऑप्शन बी में जाते हैं, ऑप्शन बी में क्या था +3, +6 and +5। ठीक, ऑप्शन सी क्या था +5, +3 and +6 एंड ऑप्शन डी क्या था, ऑप्शन डी दिया -3, +6 and +6। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, किसमें पूछा गया है, फास्फोरस का किसमें PO4-3- में, सल्फर का किसमें पूछा गया SO4-2- में, एंड क्रोमियम का किसमें पूछा गया Cr2O7-2- में। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे PO4 में निकालते हैं। ठीक है, PO4-3- में फास्फोरस का निकालने बोला है, जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे हम लोग, एक्स मानते हैं। ठीक है, एक्स एक ऑक्सीजन का -2 होता है, चार ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2 × 4 इक्वल टू क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन या फिर जीरो या फिर उसके चार्ज के बराबर। चार्ज कितना है -3 है, तो -3 के बराबर कर देना। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, इधर जाएगा तो +8, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा +5। पीओ फोर का जब हम लोग निकाले कितना निकल गया +5। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, सल्फर का निकालना है किसमें, SO4-2- में। सल्फर का निकालना तो इसको x मानेंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2, चार ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इक्वल टू सम ऑफ टोटल चार्ज या फिर तो कितना है टोटल चार्ज -2 है। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 + 8, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू +6। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पे जाते हैं Cr2O7 2-, इसमें किसका निकालना है, क्रोमियम का। तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है, दो क्रोमियम है तो 2x। ठीक है, एक ऑक्सीजन के लिए -2 × 7 इक्वल टू चार्ज कितने है -2, तो 2x इक्वल टू -2 + 14, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/2 या क्या हो जाएगा +6। ठीक है, इज +6, तो ऑप्शन क्या सही मेरा मिल रहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कैसे निकाले एक बार फिर से देखिएगा, PO4-3- हम लोग को फास्फोरस का निकालना है, तो फास्फोरस का निकालना तो x जिसका निकालना हम लोग उसको x मानते हैं, उसके बाद एक ऑक्सीजन का -2, चार ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई कर दिए 4 से और चार्ज के इक्वल कर दिए, तो चार्ज कितना था -3। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो +5 आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन
नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑप्शंस ए में क्या था, N2H4, ऑप्शंस बी NH3, ऑप्शन सी N3H एंड ऑप्शन डी क्या है NH2OH, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम लोग पहले क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, ठीक है। नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, ये चार ऑप्शन दिया गया। तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका पहले निकालेंगे। तो ऑप्शन ए में हम लोग जाते हैं, तो N2H4 में नाइट्रोजन का निकालते हैं, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, दो, तो 2X। देखिए नाइट्रोजन किससे अटैच है, मेटल या फिर नॉन मेटल से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन किससे अटैच है, ये अटैच है नॉन मेटल से, नॉन मेटल में जो अटैच है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो कितना हो जाएगा 2X+1×4 = सम ऑफ टोटल चार्ज, चार्ज कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा =0। तो 2X = कितना हो जाएगा -4, ठीक है, -4। तो X = कितना है -4×2, तो कितना -2, कितना निकल गया -2 ऑप्शन ए का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑप्शन बी में जाते हैं, NH3 का निकालते हैं, नाइट्रोजन का X यहाँ भी नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +1, तो +1×3=0, तो X = क्या हो जाएगा -3, ठीक है। ऑप्शन सी में जाते हैं N3H में, ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने है 3, तो 3X+1=0, तो X = कितना हो जाएगा -1/3, ठीक है। अब ऑप्शन डी में जाते हैं, क्या है NH2OH, NH2OH में नाइट्रोजन को निकालना है, तो नाइट्रोजन के लिए X यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दो हाइड्रोजन तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देखिए OH का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनकी चार्ज के बराबर, तो OH में कितना चार्ज होते हैं -1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -1=0, कोई चार्जेस नहीं है। अभी X = कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो -2+1, तो X = -1, ठीक है, X = -1। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकला, देखिए आप लोग, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसमें जो है वो निकला सी का, ठीक है। तो इस तरीका से ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चंस आप आए हुए एग्जाम में बना सकते हैं। आई होप अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।